नमस्कार, मैं खुशबू कुमारी, आप देख रहे हैं बेबी इंडिया न्यूज, जहां दी जाती है तमाम सटीक और सही खबरें सबसे पहले आप तक। इस समय की सबसे बड़ी खबर बिहार राज्य के पश्चिम चंपारण जिले के बेतिया क्षेत्र से आ रही है। आप देख रहे हैं बेबी इंडिया न्यूज, मैं हूं शशिकांत गिरी। आज मैं पहुंचा हूं बिहार के पश्चिमी चंपारण बेतिया हवाई अड्डा। यहाँ पे मोदी जी आने वाले हैं, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी यहाँ पहुंचने वाले हैं। काफी जनता में भीड़ है, यहाँ काफी उत्साह भी देखने को मिलता है। लेकिन देखा जाए मोदी जी को आने से जनता के क्या फायदा होने वाला है, जनता इसके बारे में क्या इफेक्ट दे रहा है, इसके बारे में क्या बोल रहा है, चलिए हम कुछ जनता से मिलते हैं और उनसे हम बात करते हैं। चलिए, क्या नाम है आपका? जी सुजीत कुमार। अच्छा, आप कहाँ आए हैं? हम आए हैं मोदी जी को थोड़ा देखने के लिए। मोदी जी को देखने के लिए आए हैं। अच्छा, लगता है मोदी जी यहाँ काम किए हैं बिहार या भारत में? हाँ, देखिए पहले का अपेक्षा यहाँ पे थोड़ा सा डेवलप हुआ है। हाँ। अभी आप डीएमसीएस बेतिया देख सकते हैं, पहले थोड़ा सा वहाँ पे काम अच्छा से नहीं होता था, डॉक्टर भी समय से नहीं आते थे। अभी अब थोड़े से उससे पहले का अपेक्षा अभी लोग ज्यादा आते हैं, डॉक्टर आते हैं और प्रॉपर तरीका से देखा भी जाता है। थोड़ा सा त्रुटि होता है लेकिन पहले का। क्या नाम है? प्यारे लाल दास। कहाँ से आए हैं? धूमनगर कचहरी टोला से। कहाँ आए हैं यहाँ पे? मोदी जी को देखने आए हैं। मोदी जी को देखने आए हैं। अच्छा, मोदी जी को जब रैली में आए हैं तो मोदी जी से क्या फायदा है, कुछ फायदा दिया है मोदी जी? हाँ, बहुत कुछ का फायदा है। कौन कौन फायदा दिया है बताइए, कुछ फायदा बताइए, कुछ फायदा बताया मोदी जी अगर दिए हैं कुछ तो फायदा बताइए। सब कुछ तो फायदा ही के काम किए हैं। अच्छा, आए हैं। कौन लेके आए हैं आपको? हम खुद अपने मन से आए हैं, हमको कोई लेकर नहीं आए, कोई लेकर नहीं, अपने आप आए हैं। क्या नाम है आपका? राजेंद्र पटेल। अभी कहाँ आए हैं आप? हम मोदी जी के भाषण सुनने आए हैं। अच्छा, मोदी जी के भाषण सुनने आए, तो मोदी जी कुछ किए हैं? हाँ, बहुत। मोदी ऐसा मंत्री नहीं है, इंडिया में नहीं मिलेगा। हाँ, मोदी आज देश है। अच्छा, तब कुली नेता घूमता है, मोदी ऐसा नेता नहीं मिलेगा। मोदी जी क्या किए हैं बताइए? राशन 80 करोड़ लोग का राशन फ्री खिला रहे हैं, मकान बनवा रहे हैं, इतना खुशहाल हुआ है। पश्चिमी चंपारण खुशी में है, दुखी में नहीं है। अच्छा, पश्चिमी चंपारण के लिए क्या किए हैं, कुछ किए हैं व्यक्तिगत? सब वही करते हैं सब का। अच्छा, हमारे बेतिया में हॉस्पिटल बन गया, ओवियर ब्रिज बन गया, कहीं देन है कुली। हवाई अड्डा में मकान चमक रहा है, किसका दिया हुआ है बोलिए? सब मोदी ऐसा नेता नहीं मिलेगा। नहीं, रात भर देखते हैं टीवी में, तालमेल बनता है, सपोर्ट उसी लोग को नहीं होता। कोनो आज तक ले कहता है हम प्रधानमंत्री में लड़ेंगे, मोदी साथ लड़िए लो ना। नीतीश कुमार जीतेंगे तो इसके बाद उसको पीला भी वोट नहीं देता। मोदी जी है जो उनको वोट मिलेगा, नहीं तो उनको वोट वोट नहीं मिलता जी। मोदी जी ऐसा नेता इंडिया में कोई भी नहीं होंगे उनका। मोदी जी क्या किए हैं आपके लिए, कुछ बताइए? बहुत कुछ किए हैं, हॉस्पिटल बनवाए हैं, मकान दिए हैं, गैस दिए हैं, घर दिए हैं। अब क्या चाहिए? गरीब आदमी को राशन मिला है, 5 साल बंद कर दिया है नीतीश कुमार, बंद कर दिया, पैसा सब देता था और फ्री में चाहे जो भी 2 बीघा 3 बीघा जो भी जमीन देता था वो आदमी को राशन मिला था। अब काफी देश मोदी जी गए चूल्हा सब दिए थे नहीं, मोदी जी राशन दे रहा था। हाँ, बहुत फायदा बा, हर साइड से फायदा बा। एगो करायम लेके महाराज मूंगफली किने बटम दाल मोबाइल के फट दे दिए, मूंगफली फट दे दिए, मूंगफली इंडिया का फायदा। हाँ, है कितना फायदा, पॉकेट में वो पैसा नहीं रहेगा, पूरा मार्केट खरीद लेंगे मोदी के नाम पर। बीजेपी मोदी का नाम बचा हुआ है ना, तो मोदी जी कहने से फायदा हो गया यहाँ पे? बहुत फायदा है, मोदी जी के आने से बहुत फायदा है। स्कूल मिल रहा है, राशन मिल रहा है, 2000 रुपया मिल रहा है किसानों को, इसके पहले कहाँ मिलता था? पहले तो 2000 रुपया आता था तो उजरे रह जाता था सब पैसा। अभी तो आज मोदी जी का ध्यान है कि अकाउंट में 2000 का 2000 आ जाता है हमारे अकाउंट में। मोदी जी का ध्यान है कि आज राम मंदिर बन गया अयोध्या में, नहीं तो राम ये विरोधी लोग राम मंदिर भी नहीं बनने देते थे।
पूछ रहे थे कि राम मंदिर कहाँ बनेगा, राम मंदिर भी बन गया, जगह भी तय हो गया। अब इन लोगों को देख कर इससे भी शर्म करना चाहिए। बारह बजे अच्छा, अभी तक मोदी जी आयल बन की नहीं की आयल अभी अच्छा, ये रैली माइल में लगा तो मोदी जी रैली माइल में तो मोदी से कुछ फायदा भइल बा? मोदी जी हमें देखबे ना कोई से तो फायदा भी फायदा देखे ना मिलबे ना कोई तो फायदा कौन बात भाई? तो टीवी में मोदी जी के ना देखी ने देख लेती सो तो मोदी जी कुछ फायदा दले बनी रहो लगन मोदी जी करता ना अभी बताई कोई गोद को नहीं राशन को नहीं मोदी नहीं कर लेबे क्या कर लेबे माध्यम से हम लोग आये बैसे जाए हम लोग देश सुना दूसर को लेकिन अभी तक ना आई अभी तक भेंट ना भयल अभी तक बज गए देखे हम टाइम देखे ना तो कोई बज गए लगभग 3:30 होके जा रहा तब ना आये मेरे मतलब मोदी से ना मिले ना मिले ना भेट हो तो ना दे के चाहिए सब जनता जब वही में अथी में आयल बा तो देख पानी पर शासन करी। क्या नाम है आपका? जैन भगत। अच्छा यहाँ आए हैं मोदी जी की रैली में, क्या लगता है मोदी जी आपके लिए क्या किए हैं? कुछ मोदी जी हमके लिए नहीं किया है, पूरा विश्व के लिए किया है। पूरा विश्व के लिए? पूरा विश्व के लिए किया है, देश के लिए किया, देश के लिए किया है। अच्छा क्या किए हैं देश के लिए? बहुत कुछ किया है। राम मंदिर देखते हैं जो 500 बरस 550 बरस का झगड़ा हमारा जैसा आपको जैसा लाखों आदमी मरा गया, मामूली पूछते हैं आप 370 उसको मामूली पूछते हैं आप कौन सी कितना क्या तो है उनको पूछो कहेंगे तो कम हो जाएगा। गरीबों का राशन हाँ। मिल रहा है और सुनिए वो फ्री में राशन मिल रहा है सबसे बड़ी बात बड़ी बात है। एक गरीब व्यक्ति भूखा नहीं मर रहा है इससे बड़ी बात क्या हो सकता है? बहुत अच्छी चलिए बहुत अच्छी बात। गरीब व्यक्ति के लिए छत मिल रहा है रहने के लिए, नीचे उसको पहनने के लिए उसको बस्तर मिल रहा है, क्या नहीं मिल रहा है? सबका विकास हो रहा है, सबका साथ, उनका कहना है सबका साथ सबका विकास। अरे वाह, भ्रष्टाचारी लोग जेल भेजो, कोई भी टाउन में रोड धरने चले जाता है, कोई कोई दिक्कत नहीं है रोड, कोई भी परिवार से घर से अगर कोई बाहर निकलता है तो रोड पर ही मरता है, रोड से ही होते हुए कोई टाउन में चला जाता है। बोले क्या 1 बजे आ रहे थे, 3 बज गया, 3+ हो गया, तो देख रहे हैं सारे लोग जा रहे हैं, जा रहे हैं तो जाएंगे नहीं, जा रहे हैं सारे लोग, कोई विलंब है यहाँ कुछ देखने के लिए नहीं जाने वाला है, देखने के लिए सब पानी पीने जाएगा, खाने पीने के लिए जाएगा, जाएगा कहाँ? कोई कहीं नहीं जाने वाला है, यहाँ जो है ना इतना दूर से हम लोग आए जाने के लिए, भूखे प्यासे हैं। मलाई बाजार से बनी तो वो वापस जाता नहीं का? वापस जाता नहीं सर, का है जाता नहीं वापस? मुझे कितना मिले भूखे प्यासे हैं थोड़ी बैठे हम सब, भूख ना लगे हमने। अच्छा देखा जाओ जानते नहीं कि यहाँ 1 बजे आवे कर लो, अब 3:30 हो गए, लेके वही से जाते नहीं, वही से जाते नहीं। अच्छा मोदी जी के रैली में मोदी से कोनो फायदा भइल बा? रुगा फायदा बा तबे न आइल बानी सर। हाँ कुछ फायदा भइल बा? देले बानी हमने के घर दुआर बनावे के, तो हाँ मतलब घर दुआर देले बानी बनाओ के ना, हो गया है अभी तक आए नहीं, अभी तक आए नहीं, सोलो पर्सन घर जा रहा है देख देख के, क्या करेंगे लोग, घर गाली देगा सब, फिर बोलेगा कि पार्टी बोलेगा कि जनता गाली दे रहा है, ये बात है। मतलब 1 बजे के टाइम था लगभग 3:30 बज गया, आया नहीं, आया नहीं, मतलब आए नहीं, अभी तक आया है नहीं, आया है तो सारे लोग जा रहे हैं वापस, जा रहे हैं, सभी पर्सन घर जा रहे हैं, सारे लोग वापस जा रहे हैं, जा रहे हैं, क्या करेंगे यहाँ पर बैठ के भाई, उसको भूख लगे होगा ना, पानी की व्यवस्था है कुछ नहीं, जाएंगे घर में खाना पीना खा के सोएंगे आराम से, टीवी पे देखेंगे और क्या। मोदी जी के देखे तो मोदी जी आए नहीं, नहीं 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 क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम प्रशांत कुशवाहा है। कहाँ से आए हैं आप? सर हम मेरा तो यही घर है, वैश्व तारानी घर है सर। तो आपकी समस्या क्या है? देखे पूरा पेपर लेके सर, ये समस्या मेरा नहीं है, पूरे बिहार की समस्या है सर। अभी सभी बच्चे आए हुए हैं, अभी हाल में एक ICT लैब का अभी वैकेंसी निकला था जो NGO के माध्यम से गवर्नमेंट ने निकाला था, और अभी 2-3 महीने बच्चों ने काम किया, पूरे बिहार में समथिंग 14,000 बच्चे हैं इसमें काम कर रहे हैं। अभी पूरा पेपर है देखिए यहाँ पे, ICT
इंस्पेक्टर का यहाँ पे आया हुआ है और तीन महीने में अभी जो गवर्नमेंट बनी बीजेपी की फिर इन लोगों को निकाल रही है। बताइए बच्चे कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे? अभी तो कोई वेतन भी नहीं मिला उन लोगों को। अभी खड़े हैं बेचारे, अभी हमसे भेंट हुआ तो हम बोले कि चलो अभी तो मिलेंगे नहीं यहाँ किसी से आप लोग, अब चलो सर्किट हाउस में वहाँ मिल के दे देना आप लोग जो भी देना है। बताइए इसी के लिए तो हम यहाँ पे आए हुए हैं, इसी के लिए। जी 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 बिल्कुल। क्या लगता है मोदी जी आपके पास? मोदी जी तक तो पहुँचना ही मुश्किल है, सबसे बड़ी चीज है जो फैक्ट चीज है मैं आपसे बता रहा हूँ। हो सकता है कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष है सम्राट चौधरी जी, हो सकता है कि कहीं रात में उनसे मुलाकात हो जाए सर्किट हाउस में, तो हम लोग का जो समस्या है वो हम लोग वहाँ पे अपना सौंपेंगे और देखते हैं क्या होता है। जी जी। बेहतर उपचार, सुरक्षित परिवार, जब मामला हो सेहत का तो समझौता कैसा? जी हाँ, आपको सभी बीमारियों से निजात दिलाने के लिए खुल गया आपके शहर रामनगर में गुड हेल्थ क्लिनिक, जहाँ आपको आपके स्वास्थ्य के लिए मिलेगा 24 घंटे उपचार की सुविधा, जहाँ कम खर्च में डॉक्टर आई आलम के द्वारा मिलेगा बेहतर इलाज, जहाँ जोड़ दर्द, साइटिका, चोट, सूजन एवं टूटा फूटा प्लास्टर एवं ऑपरेशन की सुविधा, बुखार, खांसी, सर्दी, निमोनिया, दम फूलना, जलन होना, पेट, छाती, गुर्दा, लीवर, किडनी, प्रोस्टेट, पेशाब की थैली का उत्तम इलाज, महिलाओं के बच्चेदानी, मासिक गड़बड़ी, सफ़ेद पानी एवं ब्लड गिरना, लिकोरिया, गांठ हो जाना, बांझपन एवं पथरी के मरीज का 100% सफल इलाज। गुड हेल्थ क्लिनिक का पूरा पता है रामनगर नगर परिषद क्षेत्र के नारायणापुर वार्ड नंबर 10 एसएन पब्लिक स्कूल के समीप। जब मामला हो आपके सपनों का घर का तो समझौता कैसा? जी हाँ, अब आपका भी सपना होगा साकार। अब आपके शहर रामनगर में खुल गया है होम केयर डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन ऑर्गेनाइजेशन, जहाँ आपको सभी प्रकार के मकान का 2D 3D नक्शा या फिर नक्शा बनवाना हो, नक्शा पास, सुपरविजन, सर्वे, अनुमानित लागत ब्यौरा, पुराना मकान नवीकरण, भवन सलाह, मेंटेनेंस, जमीन प्लॉटिंग एवं मकान संबंधित इंटीरियर, डेकोरेशन, प्लम्बिंग, इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर, कारीगर इत्यादि के लिए रामनगर एवं अन्य जिले के लोग संपर्क करें। होम केयर डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन ऑर्गेनाइजेशन का पूरा पता है रामनगर नगर परिषद क्षेत्र के सबुनी मेन रोड, जिसके प्रोप्राइटर हैं इंजीनियर मसूद आलम, जिनका मोबाइल नंबर 9162052355।